हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल मैथ मास्टर। टुडे हम बोर्ड सीरीज का चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि अब तक के बोर्ड में आए हैं, टेंथ बोर्ड में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के। ओके, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। एंड हमें प्रूफ करना है दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर इक्वेशन हमने लिख दिया x sin theta इज इक्वल टू y cos theta फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन x sin cube theta प्लस y cos cube theta इज इक्वल टू sin theta प्लस cos theta। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, निकालें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y cos theta अपॉन sin theta। ठीक है, इस वैल्यू को, x की इस वैल्यू को इक्वेशन टू में पुट कर देते हैं, है ना। लिखे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, राइट, सेकेंड में पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x की जगह हम लिखेंगे y cos theta अपॉन sin theta इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा और यहाँ पर आएगा इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया, हमने x की वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो हमें चाहिए, हमें ये चाहिए, तो x और y की वैल्यू निकालने के बाद इसमें रखेंगे तो वन प्रूव कर देंगे, है ना। तो अप्रोच बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये साइन क्यूब कट गया, यहाँ पर स्क्वायर बच गया, तो लिख लें तो y cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया था, प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ से वाई कॉमन ले लेते हैं और कॉस थीटा इज कॉमन, तो वाई कॉस थीटा कॉमन है, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और यहाँ क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, यूज्ड फार्मूला, है ना। तो ये वन हो गया, तो आपका यहाँ पर क्या बचा, ये वन, ये क्या आ गया, वाई कॉस थीटा इंटू वन इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया, है ना। अब ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू क्या आया हमारा बच्चों, वाई इज इक्वल टू आया साइन थीटा, राइट। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, है ना, पुटिंग वैल्यू इसको अरेंज करते हैं, है ना, वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो क्या आ जाएगा आपको, देखो इसमें पुट कर दें तो एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई की जगह क्या है, साइन थीटा, है ना, तो वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, y के प्लेस में हमने y की वैल्यू पुट कर दी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको इक्वेशन थर्ड बना दो, इक्वेशन थर्ड, ओके। तो यहाँ से ये साइन साइन कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, कॉस थीटा, ये इक्वेशन फोर होगी। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन, स्क्वायरिंग इक्वेशन फोर एंड स्क्वायरिंग दिस एंड देन एडिंग, राइट। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको इरेज कर लेते हैं, ओके। तो मैथ के बुखार को चढ़ाना है और हद से गुजर जाना है, राइट, ओके, मैथ के बुखार को चढ़ाना है। तो हमने वाई की वैल्यू और इसकी वैल्यू को यहाँ रख दिया, तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई बच्चों, याद रहेगा ना, मैथ के बुखार को चढ़ाना है और हद से गुजर जाना है और मार्क्स को हाईस्ट पीक पे पहुंचाना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायरिंग इक्वेशन फोर एंड थर्ड एंड फोर, है ना, स्क्वायरिंग इक्वेशन फोर एंड थर्ड, देन एडिंग वी गेट, क्या मिलता है हमें, देखें इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा
राइट, और इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बोल रहे हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग तो हमने कर दी, एंड एडिंग, ऐड करते हैं दोनों को तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और विच गिव अस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों वन, तो आ गया वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, हेंस राइट। तो दिस इज क्रेज ऑफ मैथ, मैथ का बुखार। ओके प्लीज रिवाइज इट एट होम जब तक कि आ ना जाए। ओके सी यू।